विजार्ड और मैं उसी फैक्ट्री में आ चुके हैं जहां पर विजार्ड निकलवा रहा है वो सारी बातें जो कि इस विलेजर को पता है इस फैक्ट्री के बारे में। क्यों फलाना जी इस फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं एंड स्मार्टी पाई भाई को धोखा दे रहे हैं। और ये सारी बातें पता करने के लिए विजार्ड ने इस विलेजर के मुंह पे TNT लगा दिया है, लेकिन ये विलेजर बहुत ज़्यादा डर चुका है और ये स्टोरी बताने वाला है आखिर ये सब क्यों हो रहा है। विजार्ड ने काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद वो सारी की सारी बातें निकालवा ली हैं इस विलेजर से और इस आने लगती है। एंड वो बुरे विलेजर की सेना आहिस्ते आहिस्ते कदम रख रही थी एंड रात को एलेक्स एंड स्टीव बहुत ही प्यारी नींद में सो रहे थे, लेकिन उसी टाइम एलेक्स की धीरे से नज़र खुलती है एंड वो बाहर जाती है। तब उसे पता चलता है बाहर से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन उसी टाइम स्टीव भी उठ जाता है एंड स्टीव अपनी सॉर्ड निकाल लेता है एंड जैसे ही वो बाहर की तरफ जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लोग एलेक्स की जान लेने पे तुले हैं एंड वो बुरा का बुरा विलेजर आर्मी से एलेक्स एंड स्टीव के घर को नाकाबंदी कर लिए थे एंड जिसके बाद स्टीव ना चाहते हुए इस सिचुएशन में अपनी सॉर्ड वहीं पर फेंक देता है एंड जिसके बाद स्टीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसी टाइम दो बुरे विलेजर स्टीव के घर के अंदर चले जाते हैं एंड स्टीव को धक्का मारकर वहीं पर गिरा देते हैं, जिसके बाद स्टीव वहां से उठता है एंड वो सामने की तरफ देखता है। तब उसे पता चलता है कि ये जो विलेजर थे वो उसके डायमंड चोरी करने आए हुए थे और वो बुरा विलेजर किंग उन सबको देखने के बाद मारने का आदेश दे देता है, जिसके बाद वो बुरे के बुरे विलेजर जाते हैं एलेक्स एंड स्टीव के पास एंड स्टीव को मारने की कोशिश तो करते हैं लेकिन स्टीव अपना बचाव कर लेता है एंड उसी टाइम अपनी सॉर्ड के पास कूदता है एंड एक आखिरी छलांग मारता है, जिसके बाद वहाँ पर एक विलेजर उसकी छलांग के कारण दूर उड़ चुका था, लेकिन अचानक स्टीव के पीठ में एक बुरा विलेजर मारकर उसे उसी टाइम वहाँ पर बेहोश कर देता है एंड जब एलेक्स उसे करने की कोशिश करती है तो बुरे विलेजर उसको भी मार देते हैं, जिसके बाद स्टीव की थोड़ी देर बाद आँख खुलती है। वो देखता है एलेक्स एंड वो डायमंड से भरी हुई चेस्ट वहाँ से जा रही है एंड जिसके बाद स्टीव के पास दूसरे ही दिन एक शीप आती है एंड स्टीव को वो चाट चाट कर उठाने की कोशिश करती है एंड स्टीव अपने दोनों बाजुओं में बहुत ताकत लगाने के बाद वहाँ से उठ जाता है एंड उठने के बाद दोनों पाँव से वो खड़े होता है एंड सामने की तरफ देखता है और अपने घर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद उसके घर में एक पोशन था जो कि उसकी एक दवाई थी एंड जैसे ही उसका वो ढक्कन खोलता है एंड उसे पीता है वो उसी टाइम वापस से ठीक होने लगता है, लेकिन उसे याद आने लगता है कि उसके पेट में खंजर घोबा था उन बुरे विलेजर्स ने एंड एलेक्स को भी जान से मारकर वहीं पर गिरा दिया था एंड जिसके बाद वो लोग उसको लूट पाट कर वहाँ से चले गए थे। लेकिन ये चीज़ स्टीव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और बहुत गुस्सा आता है एंड जिसके बाद स्टीव अपने डायमंड आर्मर के साथ रेडी हो जाता है एंड मनी मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मैं अपनी एलेक्स को बचा कर ही लाऊंगा एंड वो जंगल की तरफ को निकल जाता है एलेक्स को बचाने के लिए और वो बुरे विलेजर एलेक्स को बंदी बना लेते हैं एंड जब एलेक्स की आंख खुलती है वो सामने की तरफ देखती है ये बुरे विलेजर पूरे के पूरे विलेज में सारे विलेजर्स की जान ले रहे हैं एंड पूरे विलेज को जला रहे हैं। लेकिन स्टीव धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ ही रहा था एंड वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आ जाता है एंड जिसके बाद वो बच्चा स्टीव से टकरा जाता है एंड जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो बताता है मैं अपने मॉम डैड के साथ एंजॉय कर अपने विलेज में घूम रहा था तभी वहाँ पर काफ़ी सारे एरोस आ जाते हैं एंड उनके विलेज में आग लगाना चालू कर देते हैं, जिसके बाद वो सारे के सारे विलेजर्स वहाँ पर आ जाते हैं एंड उन सबको मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद उसके मॉम डैड उसे गले लगते हैं एंड उसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ ये विलेजर्स तुम्हें और हमें मार डालेंगे, जिसके बाद उसके मॉम डैड अपने हाथ में सॉर्ड ले लेते हैं एंड अपने बच्चे को कह देते हैं कि वो वहाँ से चले जाए, जिसके बाद ये छोटा बच्चा वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग कर इस जंगल की तरफ को
मदद मांगने आया था। एंड स्टीव ये सारी चीज़ें सुनता है एंड वो उसके विलेज को देखता है, जिसके बाद स्टीव को बहुत गुस्सा आता है एंड वो उस बच्चे के साथ निकल जाता है उस विलेज को बचाने के लिए। लेकिन स्टीव जैसे ही सामने की तरफ देखता है, वहाँ पर सारे के सारे घर जल चुके थे एंड सबकी मौत हो चुकी थी। ये सिर्फ एक वजह से हुई थी, वो जो पिलेजर थे उन्हें बहुत सारा सोना चाहिए था और इसीलिए वो पूरे विलेज वासियों की जान लिया करते थे एंड उन्हें जान से मार दिया करते थे। और शायद इसी वजह से उस छोटे बच्चे की मॉम डैड की मौत हो जाती है एंड वो छोटा बच्चा रोने लगता है स्टीव से गले लग कर। एंड जिसके बाद स्टीव उसके मॉम डैड का अंतिम संस्कार कर देता है एंड वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। एंड वो फैसला करते हैं कि अब वो वापस आएंगे यहाँ पर तब जब वो उन पिलेजर का खानदान मिटा डालेंगे। एंड वो पिलेजर इसके मॉम डैड को बहुत ज़्यादा चोट दिया था एंड वो स्टीव उस बच्चे को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो बच्चा अब स्टीव के साथ ही आ रहा होता है, जिसके बाद स्टीव उसे मना करने की कोशिश करता है एंड वापस अपने विलेज में भेज देता है। लेकिन वो विलेज की हालत देखता है एंड उसे एग्री कर देता है कि वो मेरे साथ चल सकता है। एंड वो बच्चा बहुत मासूमियत से स्टीव से रिक्वेस्ट भी कर रहा था। और उस बच्चे के मॉम डैड मर चुके थे एंड अब उसका पूरी दुनिया में स्टीव के अलावा कोई भी नहीं था। जिसके बाद स्टीव एंड वो छोटा बच्चा उस विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर एलेक्स दर्द के मारे वहाँ पर बंदी बनी बैठी थी। जिसके बाद एलेक्स सामने की तरफ देखती है और वहाँ से नॉक करने लगती है। वो खुद को पाती है कि मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है और वहाँ पे जो बुरा पिलेजर था वो डायमंड एंड वहाँ के पैसों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। और वो एलेक्स के पास चला जाता है एंड उसे अपने हाथ से खाना देता है। ये पिलेजर उसे खाना तो दे रहा था और एलेक्स को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन जैसे ही एलेक्स लेने की कोशिश करती है वो उसे चिढ़ा देता है। और ये पिलेजर किंग एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था, जिसकी वजह से एलेक्स उस तरफ मुड़ जाती है एंड वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर स्टीव एंड वो छोटा बच्चा अपनी अपनी उम्मीदें जगाकर उस विलेज में आ रहे थे एंड उन पिलेजरों की छुट्टी करने ये दोनों आ चुके थे। एंड अब उन पिलेजर्स की शामत आने वाली थी, क्योंकि स्टीव बहुत ज़्यादा रेडी था एंड उसके अंदर अंदर आग लगी थी बदले की। जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ आ जाता है और स्टीव को समझ में नहीं आता कि वो इस पहाड़ में कैसे जाएगा। लेकिन उस छोटे बच्चे के मॉम डैड मर चुके थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उस पहाड़ में चढ़ने लगता है। एंड लकीली वो लोग पहाड़ की आखिरी चोटी में आ तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ब्लॉक अचानक से खसकने ही वाला होता है। उसी टाइम उस छोटे बच्चे की नज़र पड़ती है एंड वो स्टीव को उस खाई में गिरने से उसी टाइम बचा लेता है। एंड जिसके बाद स्टीव ऊपर आ जाता है एंड उस छोटे बच्चे का शुक्रिया करता है। एंड जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं एंड ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड स्टीव को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था एलेक्स की याद में, कैसे वो बुरे ज़ॉम्बी उसे मारकर बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं एंड उनके लूट लेते हैं। लेकिन स्टीव का सफ़र इतना आसान नहीं था एंड स्टीव कैसे भी करके अपनी एलेक्स को बचा ही लेता। उसके मन में यही बात थी एंड वो अभी तक अपने एडवेंचर में ज़िंदा था। एंड वो बच्चा स्टीव के पास आता है, जिसके बाद स्टीव एंड उस बच्चे को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ को देखते हैं उन्हें मिलता है एक पिलेजर एंड स्टीव उसी टाइम अब उस बच्चे को उठाता है एंड वहाँ पर चले जाता है। एंड वो पिलेजर एक डायमंड चोरी करके भाग रहा था एंड वो अपने विलेज की तरफ जा रहा था। एंड यही सही मौका था एलेक्स को बचाने का, जिसके बाद स्टीव काफ़ी तेज़ी से पीछा करने लगता है। एंड वो सामने की तरफ जब देखता है तब उसे पता चलता है कि वो पहुँच चुका है उन बुरे पिलेजर्स के विलेज में। एंड जिसके बाद स्टीव उस छोटे बच्चे को वहाँ पर उठाता है एंड उसे यहाँ पर बैठने बोलता है। एंड वो उसे बोलता है वो एलेक्स को वापस लाएगा एंड वो सारे के सारे डायमंड्स भी वापस ले आएगा। एंड जिसके बाद स्टीव वहाँ से निकल जाता है। एंड इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि स्टीव अकेला था एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। एंड बच्चे को भी बहुत ज़्यादा रोने आने लगता है, क्योंकि उसके मॉम डैड को उन्हीं पिलेजर्स ने मारा था जिनका विलेज उसके आँखों के सामने था। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था,
क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन वो किसी से कम नहीं था एंड वो भी स्टीव के पीछे पीछे चला जाता है। एंड जिसके बाद वो पिलेजर एलेक्स को परेशान करने लगता है एंड वो डायमंड्स एंड पैसे दिखाने की लालच करने लगता है। एंड जिसके बाद वो काफ़ी परेशान कर रहा होता है एलेक्स को, लेकिन स्टीव वहाँ पर अचानक आ जाता है एंड उसके सारे सिपाहियों को मारने लगता है। जिसके बाद स्टीव को देखकर एलेक्स बहुत खुश होने लगती है, लेकिन वो बुरा पिलेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो स्टीव को मारने की चेतावनी दे देता है एंड अपने एंडर ड्रैगन पैड में वो सारे के सारे खजाने को लोड कर लेता है जो कि स्टीव ने लाया था उस माइन से। और जिसके बाद वो बुरा पिलेजर एलेक्स को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन सही टाइम पर वो छोटा बच्चा आ जाता है एंड जिसके बाद वो बुरा पिलेजर उस छोटे बच्चे के सीने में बहुत ज़ोरों से एरो मार देता है, जिसके बाद वो छोटे बच्चे की वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन वो पिलेजर जैसे ही हंसने लगता है, स्टीव वहाँ पर उसे गले से काट देता है एंड जिसके बाद एलेक्स को देखकर ये सारी चीज़ें रोना आने लगता है एंड स्टीव को वहाँ पर पास में एंडर ड्रैगन दिखता है एंड जिसके बाद वो दोनों के दोनों चेस्ट को वहाँ पर फेंक देता है एंड उनका डायमंड एंड पैसा वहाँ पर गिर जाता है। एंड जिसके बाद वो छोटे से बच्चे को लेकर एंडर ड्रैगन के ऊपर बैठता है एंड स्टीव को भी दे देता है। एंड जिसके बाद वो एंडर ड्रैगन उन्हें हवा में लेकर उड़ जाता है एंड जिसके बाद स्टीव एंड एलेक्स उस छोटे से बच्चे को लेकर अपने विलेज में वापस आने लगते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड जिसके बाद अपनों की दुनिया में चला जाता है एंड उसे उसके मॉम डैड सामने से आते हुए दिखते हैं एंड मानो ऐसा लग रहा था कि वो हेवन में आ चुका है। एंड अब उसके मॉम डैड उसे अपने ही साथ आसमान में हेवन में काफ़ी पीस के साथ रखने वाले हैं। एंड जिसके बाद उस छोटे बच्चे की आंख भर जाती है एंड वो अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। इसके बाद उसके मॉम डैड उसे अपने साथ हेवन में ले ही जा रहे थे, उसी टाइम स्टीव एंड एलेक्स अपने घर में उतरते हैं एंड जल्दी से भागकर अपने घर में आते हैं। एंड जिसके बाद स्टीव वही वाला पोशन उस बच्चे को पिला देता है जो कि स्टीव के पास था, जिससे वो खुद भी रिकवर हुआ था। जिसके बाद उसके मॉम डैड वापस से अपनी हेवन की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर छूट जाता है एंड उसकी आंखें खुलती है वापस से एलेक्स एंड स्टीव के सामने एंड उसकी जान बच जाती है और एलेक्स एंड स्टीव वापस से खुशी खुशी रहने लगते हैं। एंड गाइस, तुम लोग मुझे बताना ये स्टोरी कैसी लगी एंड विजार्ड ने ये स्टोरी पूरी की पूरी सुन ली है एंड अब विजार्ड को पता चल चुका है कि उसे क्या करना है। लेकिन हाँ गाइस, इस वीडियो का लाइक एम पूरे तुम्हारा भाई 400 लगा रहे हैं, सो प्लीज इसे कंप्लीट करवा देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100।